फ्रेंड, पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रम इंटरनल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह ड्रम के अंदर यूज होता है, मेनली स्टीम को सेपरेशन करने के लिए यूज होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा इक्विपमेंट है जो कि इसके अंदर यूज होता है और कैसे उसका वर्किंग है, और इसमें यह भी देखेंगे कि अगर हमारा ड्रम का इंटरनल ना हो तो स्टीम पर क्या इफेक्ट होता है, उसका क्वालिटी पर क्या इफेक्ट होता है। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है ड्रम इंटरनल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ड्रम इंटरनल मेनली किस लिए यूज होता है, तो हमारा स्टीम के अंदर जो वाटर पार्टिकल होता है उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज होता है, जिससे हमारा स्टीम का क्वालिटी जो है इंक्रीज हो जाए। तो स्टीम का क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सा इंटरनल का कंपोनेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे दोनों साइड लगा है बेफल्स, और बेफल से अटैच है हमारा साइक्लोन। अब साइक्लोन के ऊपर है हमारा स्क्रबर, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्क्रबर, क्योंकि यहाँ पे स्क्रबिंग पहली बार होता है। उसके ऊपर होता है हमारा सेकेंडरी स्क्रबर, यहाँ पे इसका ड्रेन लाइन दिया हुआ है। उसके बाद हमारा जो स्टीम है एग्जिट हो जाता है। और देखिए, यहाँ पे हमारा केमिकल डोजिंग लाइन दिया है, यहाँ पे हमारा ड्रम के अंदर पानी लेने के लिए परफोरेटेड फीड पाइप लगा रहता है, और हमारा ये देखिए सीबीडी लाइन रहता है जो कि पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज को रिमूव करता है। तो यह देख लीजिए, हम इसको पूरी डिटेल से अभी इसके प्रत्येक फंक्शन का, प्रत्येक कंपोनेंट का फंक्शन को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि क्या इसका फंक्शन है। तो देखिए, हमारा सबसे पहले क्या होता है, ड्रम एक स्टोरेज का काम करता है। आपका यहाँ पे वाटर स्टोर रहता है, ऊपरी पार्ट में हमारा रहता है स्टीम। तो जो हमारा वाटर है डाउन कमर के थ्रू नीचे चला जाएगा बॉयलर के अंदर, और बॉयलर के अंदर क्या हम लोग जानते हैं कि बॉयलर के अंदर हीट प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे चलते हमारा जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेपर है हमारा राइजर के थ्रू वाटर वॉल से होकर राइजर के पास आता है। अब उस राइजर से हम लोग क्या करते हैं, ड्रम के अंदर वाटर और स्टीम मिक्सर को लेते हैं, और उसी वाटर मिक्सर को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम के अंदर से वाटर को प्रेसिपिटेट करना है। तो देखते हैं, यहाँ से एंटर करता है हमारा वाटर प्लस स्टीम का मिक्सर जो है यहाँ पे एंटर करता है, और एंटर करने के बाद डायरेक्ट इंपैक्ट करता है हमारा जो बेफल्स लगे हैं वहाँ पे। तो बेफल्स का मेन यहाँ पे पर्पस क्या हुआ, जब भी यहाँ से भी देखिए वही चीज़ एंटर करता है, जब हमारा इस पे इंपैक्ट करेगा तो इस पे स्ट्राइक होगा। तो जब स्ट्राइक होगा तो हमारा जो हेवी है यानी वाटर पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, यहाँ से ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। स्लाइड करके हमारा क्या होगा, इधर हमारा ड्रम के अंदर आ जाएंगे, वैसे ही इधर से हमारा ड्रम के अंदर पानी आ जाएगा। अब हमारा बचा स्टीम, जो है जो लाइट है वो क्या होगा, यहाँ से एंटर करेगा हमारा साइक्लोन के अंदर। स्टीम हो और जो भी उसके अंदर कंटामिनेंट है, वाटर पार्टिकल जो सेपरेट नहीं हुआ, वो चीज़ हमारा अब आएगा साइक्लोन। तो साइक्लोन के अंदर क्या होता है कि जब साइक्लोन के अंदर एंटर करता है तो हमारा स्टीम जो है वो पूरा साइक्लोनिक एक्शन में ऐसे करके हमारा एग्जिट होता है। तो यहाँ से हाई वेलोसिटी से आया और आने के बाद यहाँ पे एक स्पिनिंग एक्शन क्रिएट किया। स्पिनिंग, साइक्लोन का पर्पस क्या होता है, स्पिनिंग एक्शन क्रिएट किया, जिसके चलते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे डेवलप हुआ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, जो वाटर पार्टिकल है उसको वॉल पे स्ट्राइक करवाएगा। तो इधर इधर वॉल पे हमारा क्या होगा, वाटर स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करके वो क्या होगा, नीचे बॉटम में सिंक हो जाएगा। और सिंक होने के बाद जो हमारा स्टीम है वो क्या होगा, धीरे 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 एक लो वेलोसिटी के साथ अब यहाँ से ऊपर पास हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि साइक्लोन के नीचे हम लोग देखिए, यह हमारा क्या है, ड्रम लेवल का मैंने लाइन दिखा रखा है, इसके अंदर हमारा पानी भरा रहता है। तो जो हमारा साइक्लोन का बॉटम है वो ड्रम के वाटर के अंदर सिंक रहता है, डूबा हुआ रहता है। और देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया है, साइक्लोन के नीचे बॉटम में यहाँ पे वेंस लगे रहते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्शनल वेंस।
यह इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जब पानी हमारा इस पे स्ट्राइक किया तो इसका ऐसा डायरेक्शन रहता है कि पानी को इधर डायरेक्ट कर दे, ऐसे डायरेक्ट कर देता है। तो पानी भी एक क्या करता है, एक फोर्स के थ्रू हमारा ड्रम के अंदर एंटर करता है। इसका मेन वजह क्या होता है, अगर यह चीज़ नहीं दिया रहता है, अगर डायरेक्शनल वेन नहीं दिया रहता तो क्या होता, हमारा ड्रम साइक्लोन के अंदर पानी, यह इमर्ज्ड है तो पानी इसके अंदर एंटर कर जाता। बट यह क्या है, एक फोर्सफुली एक डायरेक्शन के थ्रू उसके अंदर एंटर करता है, जिसके चलते हमारा पानी अंदर एंटर नहीं कर पाता है तो हमारा साइक्लोन जो है वो भरता नहीं है। तो इसका मेन पर्पस जो बॉटम में देने का है डायरेक्शनल वेन का, यही है। अब देख लेते हैं कि हमारा जो स्टीम है, यहाँ पे हाई वेलोसिटी था, अब यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट होके कुछ मॉइस्चर इसका सेपरेट हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे आया। साइक्लोन के ऊपर लगा हुआ है हमारा स्क्रबर। स्क्रबर जो है वो देखिए, ये मैंने दिखाया है कि कोरुगेटेड स्क्रबर इसको बोलते हैं, कि मतलब पतला पतला प्लेट्स का एकदम फाइन स्पेस्ड, मतलब एकदम नज़दीक नज़दीक उसको प्लेस किया गया है, पतला पतला प्लेट। और कोरुगेटेड का मतलब होता है लहरदार, लहरदार स्क्रबर इस पर लगा हुआ है, जो कि जब इसी से हम लोग का पास होगा तो क्या किया, इसका मेन फंक्शन क्या हुआ कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया जब स्टीम इस पर कॉन्टेक्ट जाएगा तो जो हमारा ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, जो भी हमारा पार्टिकल्स है, अगर रिमेनिंग वाटर पार्टिकल्स है, वो इसमें क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, और ट्रैप होने के बाद फिर से सिंक कर जाएगा हमारा ड्रम के अंदर, तो हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब हमारा निकलेगा स्टीम, वो हम लोग यही समझते हैं कि पूरा इधर से भी हमारा स्टीम ऐसे निकला, और निकल के हमारा पूरा स्टीम जो है प्योर, मतलब मॉइस्चर बहुत ही 90-80% पूरा एकदम रिमूव हो जाता है, और भी रिमेनिंग अगर कुछ बच गया हमारा स्टीम के अंदर, कुछ मॉइस्चर बच गया, तो उसके लिए हम एक सेकेंडरी स्क्रबर का फिर से यूज़ करते हैं, जिसको ड्रायर भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि यह जो है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको सामने दिख रहा होगा कि यह वायर मेस का बना हुआ रहता है, मतलब वायर का बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही फाइन में बना रहता है, जो कि केवल इसका जो एरिया इतना पतला, इतना छोटा होता है कि केवल यह स्टीम को पास आउट करने देता है, क्योंकि स्टीम का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। तो यह क्या करेगा, इसके चलते इसके अंदर से हमारा स्टीम ही अलाउ करेगा बाहर एग्जिट होने के लिए। तो जो हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या होगा, ऐसे करके स्टीम हमारा यहाँ पे पूरा आ जाएगा। स्टीम आने के बाद जब भी अगर हमारा यहाँ से जब एंटर कर रहा है तो कुछ ना कुछ वाटर पार्टिकल होंगे जो कि ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने के बाद देखिए यहाँ पे इसके थ्रू एग्जिट होके ये ड्रेन लाइन दिया है, ड्रेन लाइन के थ्रू हमारा ये कहाँ पे सिंक हो जाएगा, ड्रम के अंदर सिंक हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ से स्टीम निकलेगा वो बहुत ही प्यूरिटी स्टीम, पूरा एकदम हाई क्वालिटी का स्टीम निकलेगा, मॉइस्चर नियरली रिमूव हो जाता है। अब हम इस स्टीम को जो एग्जिट स्टीम है उसको हम लोग दे देते हैं सुपर हीटिंग करने के लिए, सुपर हीट होने के लिए। ये हमारा हो गया। तो हमारा वेफल्स क्या किया, स्ट्राइक करके जो भी हेवी वाटर पार्टिकल है उसको बॉटम में सिंक कर दिया। साइक्लोन के अंदर स्पिनिंग एक्शन हुआ, जिसके चलते हमारा वॉल पे सेंट्रीफ्यूगली फोर्स हुआ, जिससे वॉल पे टकराया, वाटर नीचे सिंक हो गया, और नीचे ये डायरेक्शनल वेंस लगाया जो कि उसको पानी उसके अंदर नहीं आने देता, पानी को फोर्सफुली नीचे बॉटम ड्रम के अंदर प्रोवाइड करता है, और ऊपर से हमारा स्क्रबर लगा रहता है जो स्क्रबिंग करके जो मॉइस्चर है उसको और एलिमिनेट कर देता है। उसके ऊपर सेकेंडरी स्क्रबर लगाता है जो कि जितने भी रिमेनिंग मॉइस्चर है उसको एलिमिनेट कर देता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ड्रम के अंदर और क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। तो ड्रम के अंदर देखिए एक लाइन ये दिखा रखे हैं जिसको बोलते हैं केमिकल डोजिंग लाइन। देखिए मैंने इस डायग्राम के थ्रू इसमें दिखाया है, ये आप बाहर से देखेंगे तो इस टाइप का, ये अंदर से देखेंगे तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये होल्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे होल्स लगे हैं। तो यह क्या होता है कि जब हम केमिकल डोज करते हैं, केमिकल डोजिंग कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को, जो भी हमारा हमारा इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग, या पीएच मेंटेन करने के लिए, इस सब चीज़ के लिए हम लोग केमिकल डोजिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग ये लाइन यूज़ करते हैं। तो मेनली हमारा जो है पीएच मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज, वाटर का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डोजिंग सिस्टम दिए हैं।
और दूसरा देख लीजिए, हमारा यह जो है वाटर लाइन दिया है जो कि परफोरेटेड फीड, यहाँ पे दिखे हैं परफोरेटेड फीड पाइप जिसके अंदर होल दिया हुआ है, और ये हमारा जो पानी है डायरेक्ट यहीं पे आके यहीं पे गिर नहीं जाता, हमारा पानी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने की वजह एक ही है कि थर्मल शॉक अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर मान लीजिए अगर पानी आप यहीं दे दिए तो इधर हीट का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा और इधर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी है। तो इसको जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरा एकदम, इसको डिस्ट्रीब्यूशन हेडर भी बोलते हैं, तो जब हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा ठंडा चारों तरफ बॉयलर के अंदर इस एरिया तक पूरा क्या करेगा, कोल्ड वाटर देगा, जिसके चलते थर्मल शॉक क्रिएट नहीं होगा। तो इसका मेन पर्पस पूरा लंबा देने का यही होता है। और इसके ऊपर यहाँ पे बगल में दिया है सीबीडी लाइन। सीबीडी इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्लो डाउन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारा जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, इम्प्यूटीज है, स्लग है, स्कम है, वो सब चीज़ को क्या करता है, ये होल के अंदर एंटर कर लेगा। और यह क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ओपन कर देने की वजह से यह हमारा सीबीडी के थ्रू जितने भी इम्प्यूटीज वगैरह है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आईबीडी लगे रहते हैं, यहाँ से डाउन कम और नीचे से जाता है। मैं डिटेल माउंटिंग के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर उसको आप बारे में आप जानते हैं, जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या होता है, तो आप मेरा बॉयलर माउंटिंग का एक वीडियो बना रखा है, उस पर आप लोग जाके पूरी डिटेल से बात कर लें, देख सकते हैं। एक चीज़ और टेक्निकल बात कर लेते हैं कि जो हमारा ड्रम का थिकनेस है वो मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो वो है 0.25 इंच, इससे नीचे हमारा थिकनेस नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारा यह जो ड्रम लेवल है, बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि ड्रम लेवल 50 है यानी 50 है, नहीं। यह देख लीजिए, अगर हमारा यह ड्रम है, अगर मान लीजिए इसका सेंटर लाइन जो है हमारा ये दिया है सेंटर लाइन, तो यह सेंटर लाइन से थोड़ा सा कम रहता है। तो यह कितना कम रहता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यह 1.5 इंच, 1.5 इंच नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सेंटर लाइन ड्रम का, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा 1.5 इंच कम पे हमारा 50% जो हमारा नॉर्मल वाटर लेवल जो दिखाता है वो यहाँ पे दिखाता है, यानी 1.5 इंच हमारा कम दिखाता है जो सेंटर लाइन से। तो एक चीज़ ये हो गया। इसका मेनली यूज कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे भी हमारा सब क्रिटिकल बॉयलर होता है, सब क्रिटिकल प्लांट जो होता है वहाँ पे यूज होता है, क्योंकि क्रिटिकल प्रेशर जो होता है 221 बार जो होता है उस पर हमारा वाटर और स्टीम का जो डेंसिटी है वो लगभग सेम हो जाता है, जिसके चलते हमको उसको प्रेसिपिटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए जो बिलो यानी सब क्रिटिकल जो बॉयलर होते हैं वहाँ पर हम लोग को मेनली ड्रम का यूज़ देखने को मिलेगा। एक चीज़ ये हो गया। अभी हम लोग यह देख लेते हैं कि ड्रम का मेन फंक्शन क्या हो गया। तो सबसे पहले फंक्शन में क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे वाटर और यहाँ पे स्टीम, तो दोनों चीज़ प्रेजेंट है। तो ये क्या किया, वाटर का स्टोरेज के लिए हो गया और स्टीम स्टोरेज के लिए हो गया। और दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ से मान लीजिए हमारा डाउन कमर से हमारा बॉयलर के अंदर पानी गया, एक तो ये फंक्शन हो गया, और राइजर के थ्रू हमारा यहाँ पे ड्रम के अंदर प्रेसिपिटेट होने के लिए, सेपरेट होने के लिए आ गया। तो दूसरा फंक्शन ये हो गया। और देख लेते हैं कि यहाँ से जब हमारा स्टीम एग्जिट हो रहा है, ठीक है, तो हमारा यहाँ से पानी एंटर कर रहा है, तो हमारा इनलेट और आउटलेट वाटर को इन करवाता है, स्टीम को आउट करवाता है, इसी के थ्रू हमारा वाटर आना जाना होता है। तो एक इसका मेन फंक्शन ये हो गया। और क्या फंक्शन हो गया कि हमारा केमिकल डोजिंग, वाटर का वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा केमिकल डोजिंग करते हैं, और इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमारा सीबीडी लाइन यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया। साइक्लोन सेपरेटर हो गया, ये सब स्टीम को क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हो गया। तो ये हमारा हो गया पूरा ड्रम का। एक कुछ जगह पे आपको अलग तरीका से ड्रम भी दिखेगा जो कि ये सब चीज़ नहीं रहते हैं, और इस टाइप का ड्रम जो कि देखने के बाद पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे इसको देखने के बाद कि ये कैसा ड्रम है। तो देखिए इस टाइप का जो ड्रम है वो मेनली बड़े बड़े प्लांटों में कभी कभी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ से इस टाइप का में क्या होता है कि एक ये जो है इम्पैक्ट डिफ्लेक्ट प्लेट होता है, जिसके अंदर हमारा यहाँ राइजर से स्टीम आया, ठीक।
ठीक है, स्टीम आने के बाद इस पे इसके ऊपर स्ट्राइक किया, यहाँ पे हमारा ड्रम लेवल मेंटेन रहता है, यहाँ से क्या होगा स्टीम इधर से जाएगा और यहाँ से जाने के बाद हमारा प्यूरिफाइड होने के बाद हमारा ये हेडर के बहुत ही राइजर, इसको राइजर्स होते हैं जो कि यहाँ पे हेडर में कलेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसको सुपर एट को देते हैं, यहाँ पे परफोरेटेड वाटर लाइन जो ये वाला लेक है ना, परफोरेटेड फीड वाटर लाइन, ये चीज़ होता है। तो मेनली देखिए इस तरह से भी हम लोग सेपरेशन करते हैं, बहुत ही ये भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो मेनली जो हमारा यूज होता है वो यही होता है, यहाँ पे डोर का अरेंजमेंट दिखा रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ड्रम इंटरनल के बारे में आपको पूरा क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच।